नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला में सारे फंक्शन को हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आप देख लिए, मैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जितने फॉर्मूला में है, जैसे इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंट यूज, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टैक्स फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लुकअप एंड रिफ्रेश फंक्शन, मैथ ट्रिक फंक्शन और मोड फंक्शन, मैं इस सारे ऑप्शन का मैं कवर करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख लिए, ये एक ही वीडियो में सारे ऑप्शन का मैं बताऊंगा। अगर आप ये सब फंक्शन सीख लिए तो एक्सेल चलाने के लिए आप माहिर बन जाइएगा और कहीं भी आपको जॉब मिलना ही मिलना है अगर ये सारे फंक्शन आपको आ जाए तो। तो दोस्तों, मैं एक ही वीडियो में सारे ऑप्शन के बताऊंगा। एक वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आप इसको देखना जरूर और मेरे पर भरोसा रखिएगा और मेरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद किसी और का वीडियो भी देख सकते हैं कि इतना सारे ऑप्शन को कवर किए कि नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ऑप्शन को कवर बहुत कम ही कोई यूट्यूबर ने किया होगा। मैं बहुत बारीकी से और डीपली से आपको मैं बताऊँगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लीजिए, तब आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कोई भी एक्सेल में इतना सारे ऑप्शन को बताया था। तो चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको एक एक चीज़ को सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब पहले से टेबल बना के मैं रेडी करके रख लिया हूँ, क्योंकि मुझे बताने में आसानी हो और समझाने में आसानी हो, इसलिए मैं पहले से टेबल बना के रेडी रखा हूँ। मैं एक मार्कशीट किसी स्टूडेंट के बना के रेडी रखा हूँ, जिससे मुझे बताने में आपको सुविधा हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, इंसर्ट फंक्शन देखिएगा। इस यहाँ पर देखिएगा, जैसे फॉर्मूला को क्लिक करते हैं, इंसर्ट फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं या फॉर्मूला टाइप करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। पहले इसको दोनों से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल में किसी स्टूडेंट का हमको टोटल मार्कशीट निकालना है, तो हमने इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक ना। यानी कि हमको टोटल निकालना है, आप टाइप करके भी कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन से भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन से भी बताऊंगा, टाइप करके भी बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने हम इंसर्ट फंक्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सम करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ सम फंक्शन आ जाता है, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सेल पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ सेल दे दिया है, D4 रेंज H4, यानी कि D4 यहाँ है और H4 यहाँ पर डायरेक्ट इसको दे दिया और डायरेक्ट इस पर ओके कीजिएगा, तो यहाँ पर जोड़ के आपको बता दिया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, SUM, उसके बाद आप टैप उस देखिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, इक्वल टू SUM और टैप प्रेस कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ टाइप कर लीजिए D है, ये 4 वाला में है, ठीक ना। सर, आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं D4 रेंज और यहाँ पर देखिए H और यहाँ पर 4, ऐसे भी टाइप कर सकते हैं H या 4 और ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर मार दीजिए। या फिर देखिएगा इक्वल टू SUM, ठीक ना, टैप प्रेस कर लिए और यहाँ से यह सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक ना, और मार दीजिए इंटर। तो देखिए टोटल निकल गया। अब हमको निकालना है मैथ्स। मैथ्स मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है इसमें से सबसे ज्यादा नंबर कौन सब्जेक्ट में लाई है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जल्दी सही से होता है, अब लिखेंगे मैथ्स। मैथ्स लिखने के बाद गो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ मैथ्स आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए रिजल्ट भी शो करता है नीचे, ठीक ना। 70 यानी कि 70 क्या हुआ, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाई है, ठीक ना। मिनिमम इसी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे MIN, ठीक ना, गो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिए। आपको यानी कि सबसे कम सब्जेक्ट में, यानी कि 5 सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए 50 आया है। उसके बाद यहाँ पर काउंट पे आएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिखेंगे COUNT काउंट, गो पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक, यानी कि 5 सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक ना। ये सारे चीज को आपको क्या करना है, रट लेना है दम रट लीजिए, ठीक ना। फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपके अगला क्या है, एवरेज है, ठीक ना। ये एकदम दिमाग में बनाकर रट लीजिए,
इस सारे ऑप्शन को रट लीजिए, और जैसे आप रट लीजिएगा तो यहाँ लिखे एवरेज और इसमें पर रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, हमको एवरेज निकालना है और एवरेज है 60 हो गया। इसी तरह से एवरेज परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, तो इससे बता है ठीक है ना। तो सारा चीज निकाले और एक और फॉर्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज इक्वल टू लगाइए, टोटल मार्क पर क्लिक कीजिए, डिवाइड के साइन लगाइए, पाँच पाँच क्या है सब्जेक्ट, पाँच इस पाँच दीजिए, इंटर मार दीजिए, 60 आ गए। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों, और कुछ हम लोग देख लेते हैं, सम सम अभी मैंने आपको बताया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, इसको मैंने बड़ा कर लिया, और मैं आपको देखिए यहां पर कुछ मैंने डिजिट पहले से ले रखा है, अब इसको हमको सम करना है। बड़ा इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपको स्पष्ट दिखाई देवे, ठीक है दोस्तों। देखिए बड़ा करने से क्या होता है, स्पष्ट आपको दिखाई, सम तो अभी मैंने जोड़ के बताया, फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी यू एम सम, गो पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ठीक है सम कर ली। अब एस क्यू आर टी का मतलब होता है स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो स्क्वायर रूट आप कितना के निकालना है, ठीक है ना। ये जैसे हमने लिया है 81, 64, ठीक है ना, इसी तरह से लिया, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे सर फंक्शन में, यहाँ पर लिखेंगे SQRT, उसके बाद क्या करेंगे वो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर SQRT का आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे, कितना का निकालना चाहते हैं, 81 का देखिए 9 होता है, 64 का निकालना चाहते हैं तो 8 होता है, और 36 का निकालना 6 होता है, और मैंने इतना डिजिट लिया है समझाने के लिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, SQRT यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब आते हैं प्रोडक्ट, ये क्या करता है, मुझे ऐसा काम करना है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसमें इसमें गुना करना है 10 और 10 में, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ लगाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, एक मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इंटर मार देंगे, तो क्या हो दो डिजिट में हुआ गुना। हम ऐसा चाहते हैं कि चार डिजिट को मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि मल्टीप्लाई कर दे, यानी एक से ज्यादा डिजिट को हम लोग गुना कर, जैसे 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में 10 से गुना करेंगे तो आपको आपको कितना 1000 आ जाएगा, 1000 में 10 गुना करते 10000 आ जाएगा, 100 में 10 में गुना करेंगे तो 100, और 100 में 10 से गुना करते 1000, 1000 में 10 गुना करेंगे तो 10000 आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक ही बार में गुना करें, तब इस फंक्शन को उपयोग करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे सर फंक्शन में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे PRODUCT, उसके बाद क्या करेंगे गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप रेंज यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपको शो करके दिखा दिया, उसका पावर ठीक है ना, बहुत अच्छा से बता रहा हूँ और बहुत थोड़ा सा स्पीडली भी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सारे ऑप्शन को कवर करना है, लेकिन आप देखें जरूर, आप जैसे देख लेते हैं दोस्तों तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा आपको नहीं बताया होगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगते जा रहा है दोस्तों, तो आप उसको लाइक भी कर दीजिए और उसको उसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने वीडियो के देखते के दौरान आप खो जाते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक आप ही को करना होगा, वीडियो आप देख के सीख रहे हैं तो शेयर आप ही को करना होगा, कोई और कैसे करेगा, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं ना। आ जाते हैं पावर पर, आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे पावर, गो पर क्लिक करना है, पावर यहाँ पर आ गया, ओके पर क्लिक करना है, आप पावर कितना के निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम 6 का, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 6, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, और 2 यहाँ नीचे लिखेंगे, देखिए 36 यहाँ निकल गया, सो क्या कर लिया, आप 5 के पावर 2 निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 25 आ जाएगा, उसी प्रकार से 10 के पावर 2 निकालना चाहते हैं, यहाँ पर 100 आ जाएगा। इस तरह से पावर आपको निकाल सकते हैं, जितना का पावर निकालना है उसके बाद ऊपर लिखिए और ऊपर नंबर लिख दीजिए और नीचे पावर लिख दीजिए, जितना निकालना है आप रिजल्ट आपको शो करके दिखा देगा, नहीं समझे पावर किसे बता देते हैं, जितना का पावर निकालना चाहे नंबर टाइप कीजिए, पावर नीचे टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। और जितना का पावर निकालिए, जैसे 3 की एक देखिए यहाँ पर चीज, इस तरह से भी पावर आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं मोड, मोड मतलब क्या होता है, भाग देना, भाग मोड से क्या होता है, शेषफल आता है, शेषफल मतलब जो नीचे का जो शेषफल होता है ना, जैसे कि शेषफल, जैसे भाज, भाजक,
इसे बताया ना, तो शेषफल ही नहीं निकालता हम मोड से, यानी कि 20 में 2 से भाग देना तो उसको शेषफल कितना आएगा, तो उसके लिए हमको मोड को उपयोग करते हैं। लेकिन मोड गो पर क्लिक किए, ओके पर क्लिक किए, अब मोड यहाँ 20 का मोड निकालना चाहते हैं यानी कि 2, देखिए यहाँ पर आ गया 0। इस तरह से आप भाग दे सकते हैं, इसका शेषफल ही निकालते हैं। यहाँ पर देखिए निकल रहा है डिवाइजर, यहाँ देखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डिवीजन। डिवीजन में मतलब ये भी होता है बांटने भाग देना होता है। तो मैंने ऐसा अगर आप देखिए 305 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं। फिर आते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या 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 करता है, फैक्ट क्या करता है आपको, फैक्ट जैसे इस तरह से कैसे फर्स्ट सेकंड इसे क्या करता है दोस्तों, डिवीजन से कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं, कौन फर्स्ट है, 60% पर फर्स्ट होता है, इस तरह इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्ट क्या करें, जैसे 4 का फैक्ट निकालना है तो करेगा क्या, कैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 1 2 ऐसे करके आपको लिख देना है, ऐसे करके 4, यानी कि एक में दूसरे गुना करेगा करेगा तो इसमें इसमें गुना करेगा, फिर इसे इसमें गुना कर ऐसे ऐसे करके 2 2 3 6 और 6 6 12 ऐसे करके आपको निकालेगा, ठीक है ना। तो कैसे करता है, 2 2 में 3 से गुना करेगा तो 2 का 2 2 4 6 और 6 का 4 से गुना करेगा, 6 6 12 6 6 6 24 ऐसे करके आपको निकालेगा, ठीक है ना। रिजल्ट आपको 24 कैसे आएगा देखिएगा, एक में गुना करेंगे 2 तो फिर 2 का 2 2 4 2 3 6 और फिर आपको 6 आ गया, फिर 4 बजे 6 6 12 6 6 6 24 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे आता है देखिए, फैक्ट यहाँ लिखेंगे FACT ऐसे करके लिखेंगे, वो पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, हमको फैक्ट 4 के निकालना है, नंबर पूछ रहा है, नंबर देखिए 24 रिजल्ट आ जाएगा। जितना आप निकालना चाहते हैं आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर टाइप कर दो, 5 के देखिए 120 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 लिखे तो 4 पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब आते हैं सब ट्रैक, सब ट्रैक्शन में क्या होता है, घटाना होता है। मैंने यहाँ पर लिया 10 लिया, माइनस के बटन लगा, सब ट्रैक्शन का साइन लगाया, 5 है या 2 है, जितना भी है लो लीजिए और मार दीजिए इंटर, ठीक है। सब ट्रैक्शन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मैंने कोई आपको कहेगा कि मेरे पास 100 रुपया है, 1% कितना होगा, जिस तरह से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कोई कहेगा कि मेरे पास 1000 रुपया है, 2% निकालो, 3% निकालो, 1% निकालो, तो कैसे निकालेगा परसेंटेज ये भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, हम ये पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर मार देंगे इंटर, तो देखिए 100 रुपया के 1% हो गया। एग्जाम्पल में एक और परसेंटेज ले रहे हैं, ऐसा भी परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि आपके पास बैंक में 1000 रुपया है, ठीक ना, और आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट 4% है, ठीक है दोस्तों, और इंटरेस्ट जो बैंक देती है सालाना देती है, 1 साल में देती है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन को समझिए, आपके बैंक में 1000 रुपया है, बैंक इंटरेस्ट साल में देती है 1 साल पर, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट रेट बैंक देती है 4%, तो उसका इंटरेस्ट उसका कितना होगा, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, मानिए कि आपके पास 1000 रुपया है, मल्टीप्लाई साइन के निशान लगाएंगे, आपके पास मैंने अभी एग्जाम्पल में भी आपको बता है, हम लेते हैं 100 रुपया, मल्टीप्लाई का साइन के निशान लगाएंगे, मेरे पास बैंक इंटरेस्ट रेट कितना है 4%, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, डिवाइड करेंगे 100, इस तरह से निकालेंगे और आपको 4% यानी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ गए होंगे, 2 तरह से निकाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी ये करना है, गुना का चिन्ह लगाना है, जैसे हमको यहाँ पर क्लिक करना है, इतने इसको निकालना है, साइन लगाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब होता है दोस्तों कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो अति है, वो 20 नंबर से ऊपर किसका नंबर आया हुआ है, या 20 से नीचे कितना है, या 30 से ऊपर कितना है, या 100 से ऊपर कितना है, या 100 से नीचे कितना है, ऐसा ऐसा आप डिसाइड कर सकते हैं। इस डिसाइड करने के लिए आपको काउंट इफ का फॉर्मूला को यूज करना होगा, तो चलिए इसको भी हम काउंट इफ का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहने के बाद आपको इजीली आप इसको सीख जाएंगे,
तो चलिए काउंट इफ को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सी ओ यू एन, एन एन के बाद देना है काउंट इफ, इसे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर ही मांग रहा है आपको, यहाँ पर ही मांग रहा है रेंज, देखिए रेंज मांग रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है। हम चाहते हैं कि 20 से ऊपर कितना मेरा नंबर है, तो यहाँ पर 20 दिए और यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा लगाएं और ब्रैकेट के साथ इंटर ब्रैकेट बंद करके प्रेस कर दिए। तो 20 से कितना ऊपर है, तो 20 से ऊपर हमारे पास दो ही डिजिट 30 और 40। अगर इसी को उल्टा कर देते हैं दोस्तों तो उसका ई पर्टिकुलर आपको बताया कि 20 से नीचे कितना है, तो 20 से नीचे हमारे पास एक ही है, यहाँ पर उल्टा कर दिए। इस तरह से काउंट इफ का उपयोग करते हैं, काउंट आई इफ का। अब आते हैं काउंट यानी गिनती करना, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती करना है। तो यहाँ पर आते हैं काउंट पर, यहाँ पर आते हैं और लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, काउंट काउंट, वो पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक है, 3 ही मेरे पास है, 1 2 3। इस तरह से हम लोग यूज किए पहले इंसर्ट फंक्शन के। आप नेक्स्ट, अब दोस्तों हम अगला हम लोग सीखते हैं ऑटो सम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंसर्ट इंसर्ट को मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ऑटो सम। ऑटो सम क्या 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 करता है दोस्तों, मैं ऑटो सम वाला पर टेबल पर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ऑटो सम क्या क्या करता है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और सम करना था, मैंने सम पर क्या करता हूँ क्लिक करता हूँ, ये खुद यहाँ पर ऑटो सम करके इंटर प्रेस करके यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ पर नीचे आते हैं है दोस्तों, ठीक है। और माने कि हमको करना है एवरेज निकालना है, सबका निकालना है एवरेज, तो सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे और मार देंगे इंटर। देखिए यहाँ पर एवरेज निकल गया। एग्जाम्पल हम फिर चलते हैं, हमको काउंट निकालना है, काउंट नंबर, यहाँ पर क्लिक किया और इंटर मार देंगे, काउंट यहाँ पर यानी कि 4 काउंट करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं मैक्स, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इंटर मार देंगे, मैक्स निकल जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम सबसे क्लिक करके इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आके फिर यहाँ से भी देखिए मोर फंक्शन पर आके यहाँ से भी उसी चीज पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप उसी टाइप करके इसे क्या निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने काउंट निकालना चाहते हैं, यहाँ पर टाइप कर दीजिए कोई चीज जो भी निकालना चाहते हैं, वहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। और टाइप करके जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे फिर मिनिमम निकालना चाहते हैं, टाइप कीजिए, वो पर क्लिक कीजिए, वो पर क्लिक कीजिए, रेंज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑटो सम का। अब रिसेंट में क्या होता है, यहाँ पर याद आता है रिसेंट में क्या होता है दोस्तों, जो भी आप रिसेंट में यूज किए हुए रहेंगे, जो भी इस रिसेंट में आप यूज किए हुए रहेंगे वो चीज़ यहाँ पर रिसेंट पे आ जाता था। अभी मैंने ये सब सारे ऑप्शन के यूज किया, देखिए यहाँ पर, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको आपको रिसेंट पे आ जाएगा। देखिए मिनिमम काउंट काउंट ये सब यूज की है, सबसे पहले आपके मिनिमम है, ठीक है ना। अभी जो मैं रिसेंट पे यूज किया हूँ वो यहाँ पर आपको रिसेंट पे जो भी आपको आ जाए, जो भी मैंने यूज किया, ठीक है ना, जो जो अभी यूज किया वही चीज़ आपको रिसेंट पे आपको आ रहा है दोस्तों। जैसे कि मैंने कि मैं एक आध डिजिट ले लेता हूँ कि आपको ये भी अच्छा सा समझ में आ जाए, ठीक है। अब आते देखिए रिसेंट में भी जो मिनिमम यूज किया इसको आपको यूज करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसमें तीनों को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए, मैं निकल जाएगा। और यह पूरे रिसेंट में क्या यूज हुआ है, काउंट यूज हुआ है, काउंट इस पर क्लिक कीजिए और अभी जो रिसेंट में यूज किया है उसको निकालने के लिए। और नीचे आ जाते हैं और क्या क्या चीज हुआ है, काउंट इफ हुआ है, फैट हुआ, मोड, इसी तरह से आपको जो रिसेंट में यूज कीजिएगा वहां पर आपको आ जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे।